मेघदूत के मैखाने पर कौन है मेहरबान? कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर ग्राहकों को परोसी जा रही है शराब। चौगुना कीमत पर धड़ल्ले से बेची जा रही शराब। उज्जैन के अलावा इंदौर के बेवड़े भी पहुंच रहे हैं मैखाने में। सबसे बड़ा सवाल कि कर्फ्यू में कैसे पहुंच रहे हैं पियक्का? कहां से सप्लाई हो रही है पेटियों से शराब? कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार हर दिन बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकारी तंत्र भी लगभग प्रतिदिन कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में मशगूल है। बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को अस्थायी जेल में ठूसा जा रहा है, दुकानों को सील किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अवैध शराब बेचने वाले मेघदूत ढाबे पर सरकारी तंत्र पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। आलम यह है कि मेघदूत ढाबे का संचालक विजय कलाल अपनी कलाकारी से पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंच रहे हैं, हमारी जो टीम है अभय न्यूज की टीम, वो पहुंच रही है मेघदूत रिसोर्ट एंड वाटर पार्क। आज तारीख कौन सी? आज 13 मई 2021। डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को ये सनद रहे कि आज की डेट में ही हम लोगों ने जो स्टिंग है वो किया है। मैं अपने साथी के साथ मौजूद हूँ और अब हम यहाँ से, अभी फिलहाल हम कार में हैं और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे मेघदूत रिसोर्ट एंड वाटर पार्क में। वहाँ तक का हम आपको पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे इसको, तो चलिए चलते हैं। मेघदूत रिसोर्ट के हिस्से में चल रहे शराब खाने की खबर पुलिस को ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि शहर भर में लगी नाकाबंदी के बावजूद शराब के शौकीन मेघदूत तक पहुंच रहे हैं। वहां के अलग अलग कमरों में शराब व कबाब की महफिल जम रही है। उज्जैन तो छोड़िए जनाब, इंदौर के शराबखोर भी यहाँ बेरोक टोक पहुंच रहे हैं। क्यों? अरे बैठने की व्यवस्था बुला ली क्या? बैठने की वो उसका बर्थडे का तो पूछ लो ना। क्यों, तीन चार जने बुला ले, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ आ जाओ। विजय कलाल और उसकी गैंग द्वारा कोरोना काल का भरपूर फायदा उठाते हुए चौगुना कीमत पर बियर व शराब बेची जा रही। सवाल ये उठता है कि विजय के पास इतनी बड़ी मात्रा में शराब की सप्लाई कहां से और कैसे हो रही? पुलिस और आबकारी अमला मेघदूत के मामले में आंखें बंद करके क्यों बैठा है? एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान माफिया को 10 फीट जमीन में गाड़ने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विजय जैसा समाज का दुश्मन न केवल सरकारी तंत्र बल्कि सरकार को चुनौती देते हुए बेखौफ अवैध शराब का कारोबार जारी रखे हुए है। अभय न्यूज ने विजय कलाल के कारनामों को उजागर करने के लिए 12 व 13 मई को उसी के शराब खाने में घुसकर स्टिंग कर एक एक राज को उजागर किया है। कैसे वहां शराबियों के झुंड कमरों में बैठकर शराब व कबाब उड़ा रहे हैं, कैसे बियर की पेटियां लाई जा रही हैं, यह सब अभय न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। तो साथियों, ये अपनी रायल चैलेंज की बॉटल और ये हमने अभी हल मेघदूत के अंदर से दी है और ये अब निकलते हुए ये बॉटल और टीम हमारी बाहर मेघदूत के और तमाम गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही यहां पर, यहां करीब 10 कमरों के अंदर लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, दिख रही हैं आपको सारी गाड़ियां, और पूरा कारोबार चालू है रोज की तरह, किचन चालू है सब कुछ। और अब ये आ गए हम मेन रोड पर, चलिए। अभय न्यूज की टीम ने वहां से शराब व बियर भी खरीदी, बाजार मूल्य से 4 गुना दाम देकर। रॉयल चैलेंज की बोतल इसलिए खरीदी गई ताकि यह पता चल सके कि बोतल पर 011 बैच नंबर दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 10 अप्रैल 2021 दर्ज है। यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि लॉकडाउन लगने की तारीख के बाद उक्त ब्रांड की बॉटलिंग की गई और उसकी सप्लाई विजय तक पहुंची।
कुल मिलाकर विजय कलाल जैसे समाज के दुश्मन नोटों